इन्वेस्ट मीट में आप सभी कर्मवीरों के सामने अपने विचार रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मुझे पता है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने सामर्थ्य से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपने अपने काम को बढ़ाने का काम किया और आपने उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, इसके लिए भी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैं आप जैसे दूरदर्शी लोगों को देखता हूं तो मन में एक कल्पना आती है और वो कल्पना ये आती है कि आप अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कितने परिवार जुड़े हुए हैं जो उनकी आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं और उनका परिवार को पालने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य कई लोग सोचते होंगे, उनके मन में विचार आता होगा कि आप उद्योग के क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि आपने आगे बढ़ने के साथ साथ कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उनकी आजीविका देने का काम किया है। हमारे सीएस साहब कह रहे थे कि सही बात कह रहे थे, बड़े उद्योग होते हैं लेकिन एक छोटा उद्योग होता है वो भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि कई बार देखने में मिलता है कि कहीं घी घना तो कहीं मुट्ठी चना। यह कहावत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां जिसको आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है। एक तरफ हम आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं तो दूसरे लोग जो जिनको आवश्यकता है उनको भी हम रोजगार देने का, आजीविका देने का काम करते हैं। आप सभी ने अपने प्रयासों में पिछली सदी को आकार दिया और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कर्मठता के लिए एक नई सुबह आई है। मुझे पूरा विश्वास ये भी है कि आप आज, मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में
मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हैं, हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है, यही नहीं मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मैं गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्यंत आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई है। साथ ही एलेक्स इंटरनेशनल और ओरियन कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी निवेश करने में रुचि दिखाई है। जापान में भी हमारी इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को सशक्त किया है। निमराणा की सफलता से अब जापान में भी निमराणा डे का आयोजन हो करने लग गया, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जापान में जिस दिन में गया 12 तारीख को निमराणा डे का आयोजन बीमा हुआ, तो निश्चित रूप से आपका डे वहां भी मन रहा है और वो अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां से लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात होती है। यह शुरुआती सफलताएं हम इस बात का एहसास कराती हैं कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इच्छुक निवेश राज निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हम कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। हाल ही में एक फिल्म निर्माता मेरे पास आए और सुबह मेरे पास वो लगभग 11-12 बजे मेरे पास पहुंचे और जयपुर में वर्षों से प्रतीक्षारत फिल्म सिटी की जरूरत को बताया। और वो कई बार कहते थे और हम भी बार पहले सुनते थे कि फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, लेकिन वो कहता था कि साहब मैं आपके यहां 10 साल से आ रहा हूं। और वो ये कहते हुए मुझे और ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का हूं, मेरे पूर्वज राजस्थान से गए और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैं फिल्म सिटी लगाने का काम करूं। तो मैंने कहा कि आप आइए राजस्थान में, आप लगाइए। मैंने मेरे अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप मेरे पास वो ऑफिस में लगभग 1 बजे मेरे पास पहुंचे। उस दिन मेरी कैबिनेट भी थी। मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि भाई इनको वो जमीन दिखाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं 1 बजे वो जमीन देखने गए, 4 बजे मेरी कैबिनेट थी, 6 बजे वो लौट करके आए। जैसे ही मेरी कैबिनेट का मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने उसके बाद जमीन देख करके जमीन को सुनिश्चित कर दिया। ये सालों में नहीं, ये दिनों में नहीं, ये घंटों में उनका काम हुआ। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि
काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। मैंने राजस्थान के अंदर जैसा हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया कि हमने घोषणा की कि 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां देंगे। अब आप देख सकते हैं आज मेरे को 9 महीने हुए हैं, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, और कल ही हमने लगभग 90,000 वैकेंसी कल हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है, 90,000 वैकेंसी हमने निकाली है। मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियां अब लगाइए कि 60,000 वैकेंसियां निकले, ये कब से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, लेकिन हमने तुरंत 60,000 वैकेंसी उसके लिए निकाली। 23,000 वैकेंसियां हमने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली और लगभग 6-7 हजार के लगभग हमारे जो चालक हमारे ड्राइवर जो होते हैं उनकी हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है। और हमने कहा है कि इस साल हम सरकार के माध्यम से 1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करके देंगे। क्योंकि मन में जब यह होता है कि हमें कुछ करना है, मन में यह होता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारी सरकार ने विभिन्न राज्यों और देशों में आने वाले निवेशकों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए आईएएस अधिकारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया है, जो निवेश को आकर्षित करने में और इसे धरातल पर उतारने में सुनिश्चित करने में काम करेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान शायद पहला प्रदेश है जो हमारे अभी कह रहे थे कि आप एक अधिकारी को लगाइए। हमने हमारी ऐसी 25 कंट्री हैं जिसमें हमने एक एक आईएएस अधिकारी को लगाया है, हमने हमारे सभी राज्यों में एक एक अधिकारी को लगाया है, और हमने विभाग अनुसार भी हमने एक एक अधिकारी को लगाया है। और ये नहीं वो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन वहां से उसका ट्रांसफर होने वाला नहीं है, जिसको जो कंट्री दी है वो कंट्री उसको पूर्ण रूप से वो देखेगा, और उसको जिसको प्रदेश दिया है वो प्रदेश देखेगा, और जिसको विभाग दिया है वो किसी विभाग में हो लेकिन उसी विभाग को परमानेंट देखेगा, जिससे उसको पूरी जानकारियां मिलती रहे और उस जानकारी के माध्यम से वो अपना काम करता रहे। वो वहां ट्रांसफर हो सकता है राज्य में लेकिन इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी हमने उनके लिए किया है। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल और निवेशक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। पहले ऐसे दिन भी थे जब निवेशकों के सपने सरकारी फाइलों में उलझकर दम तोड़ देते थे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपके सामने भी आया है कि हमने 1 महीने पहले मुंबई में जो MOU किए थे हमने इस कैबिनेट में उनको भी पास कर दिया और उसमें उनको जमीन आवंटित करने का हमने काम कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं लेकिन आज हम नकारात्मकता से परे सहयोग, सकारात्मक और दूरदर्शिता के साथ एक नए कल के सपने बुन रहे हैं। हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाकर नए अवसर पैदा किए। हमें गर्व है कि हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि नेतृत्व एवं बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर तालमेल के साथ व्यापक दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम एक जिला एक उत्पादन नीति लागू करने जा रहे हैं।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान के आप एक एक जिले को देखेंगे उसकी पहचान अलग है। अगर मैं एक एक जिले की बात कहूं तो आपको खान में पीन में वहां का, अगर आप हमारे जैसलमेर कह रहे हैं, जैसलमेर हमारा सोलर का ही नहीं है, धीरे धीरे हमारा खरजूर का भी बड़ा उत्पादन का केंद्र हमारा जैसलमेर बन रहा है। बाड़मेर बालोतरा हमारा अनार के लिए आगे आ रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ आपने देखा होगा किन्नू के लिए आगे आ रहा है। अगर आप देखेंगे हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो सीताफल में बहुत आगे बढ़ रहा है। सीताफल में ही नहीं, वहां का जो हमारा जंगल है, वहां के जो फूल हैं, उन फूलों से गुलाब बन रहा है, और ये गुलाब किसी तरह से उसमें एलर्जी पैदा करती है, लेकिन वो गुलाब फूलों का ऐसा होता है। और हमने उनसे कहा है कि जितना फूलों से वो गुलाल बनाएंगे, वो गुलाल को हमारी सरकार पूरी तरह से उनको खरीदेगी, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है। वो मेहनत करके वहां के महिलाएं वहां के युवा लेकर के आते हैं, हमने क्यों ना हम उस गुलाल को पूरी तरह से खरीद करके हम उसका मार्केटिंग भी करें और आगे देश में भी भेजें और आगे दूसरी कंट्रियों में भी उसको भेजें, तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हमारा कई जगह अलग अलग पहचान, अलग अलग हमारा काम है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारा राजस्थान समृद्ध हो। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने साथ साथ रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को सृजन करने के उद्देश्य से हाल ही में हमने कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2024 जैसा बताया, रिप्स 2024 को मंजूरी प्रदान की है। रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर के नए उभरते हुए क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्रदेश के प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, जो साहसिक और संभव है। ये काम ऐसा है कि इसको हम सभी अगर इसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने सोचा है वो होकर के ही रहेगा। मुंबई में हुए निवेश शिखर सम्मेलन में जैसा मैंने बताया 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स, बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्र में शामिल हैं। इनमें राजस्थान में लगभग 7 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमने जापान, दक्षिण कोरिया, यूए, कतर जैसी वैश्विक साझेदारियों के साथ सक्रिय रूप से निवेश को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, जापान की एक कंपनी हमारे पास, उससे मिलना हुआ, पहले वो जयपुर भी आए, फिर मैं जापान हम गए तो जापान भी मिले। उन प्रमुख जापानी कंपनियों ने राजस्थान में निवेश करने के साथ साथ 15,000 युवाओं को रोजगार देने की भी प्रतिबद्धता उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में राजस्थान से लगभग 15,000 ऐसे युवा जिनको हमें आवश्यकता है, नर्सिंग के क्षेत्र में, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, कटर पेटर उस क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में उन्होंने बताया है। उसके लिए जब हम जापान गए तो हमें कई चीजों का महसूस भी हुआ, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वाले हम लेकर के गए, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारे प्रदेश के लोग वहां जाएं और जाने में उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो हमने निर्णय लिया है कि विदेशी भाषाओं की शिक्षा के लिए एक नया कॉलेज खोलने का काम भी हम राजस्थान में करेंगे, जिससे कि वहां के हर कंट्री की भाषा सीख करके वहां उनको सुविधा मिल सके और वहां ठीक प्रकार से वहां जाकर के काम कर सके। तो ये भी हमने निर्णय लिया है और इसका लाभ हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले तो हम इसे भी करने जा रहे हैं। राजस्थान में उद्योग के लिए निवेश की संभावनाएं प्रचुर हैं।
हम नई औद्योगिक नीतियों के तहत औद्योगिक भूमि अधिग्रहण और विकास को सरल बना रहे हैं। खनन में भी नई नीति लागू की जा रही है। इसके साथ ही हमने कृषि प्रसंस्करण में डाटा केंद्रों पर्यटन के लिए नई नीतियां बनाई हैं। राजस्थान सरकार ने 53,000 किलोमीटर की सड़कें बनाना और 2,750 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस विकसित करने का संकल्प ले लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2031-32 तक 33,600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हमने रखा है। आप सभी को मैं निवेश के लिए राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां हमारी नीतियां और संसाधन आपके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की समृद्ध और विकास में आप अमूल भागीदारी बना सकते हैं। राइजिंग राजस्थान समिट 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित हो रहा है। मैं आप से आग्रह करता हूं कि इस समिट में भाग लेकर आप हमारे और अपने सपनों को साकार करने में सहयोग दें। मरुभूमि के प्रतिनिधि होने के रूप में एक बार मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं, और वो आमंत्रित मैं आपको इसलिए करना चाहता हूं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अपार संभावनाएं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो मिनरल का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो। और मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि राजस्थान कई बातों में, क्योंकि सूर्य की भी कृपा है, ये भी आप सभी जानते हैं, प्रचुर मात्रा में हमारे पास भूमि है। पहले कहते थे लोग कि राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अब की बार राजस्थान में जितने बांध थे वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। राजस्थान में पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, काम करने वाली टीम होती है, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं राजस्थान के अंदर हमारे पानी के क्षेत्र में भी हमने 8-9 महीने में बहुत बड़ा काम किया है। हमारी ईआरसीपी की योजना राजस्थान के पूर्वी राजस्थान से लेकर के हमारे लगभग 13 जिलों में हमारा उस ईआरसीपी का पानी जाएगा। किसान को भी पानी मिलेगा, उद्योग को भी पानी मिलेगा, हमारे पर्यटन का विकास भी होगा। हमारे शेखावाटी का क्षेत्र, सीकर चूरू झुंझुनू के लिए हमारा यमुना समझौता, हमारे उस क्षेत्र में पानी आएगा तो वो ही क्षेत्र हमारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारी वहां की जमीन, वहां की हमारी पुरातन संस्कृति। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान वीर भूमि है, महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है, और यह भक्ति की भी धरती है, ये मीराबाई की धरती है, ये त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भी धरती है, और यह पर्यावरण की रक्षा करने वाली, जो अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दे, ऐसी हमारी मां अमृता देवी की भी धरती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारी देवी माए कितनी है। हमारे अगर आप देखेंगे खाटू श्याम जी से लेकर के सालासर जी से लेकर के साकंबरी माता से लेकर के करणी माता से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी माता जी से लेकर के कैला देवी माता जी से लेकर के मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के श्रीनाथ जी से लेकर के सावरिया सेठ से लेकर के हमारी प्रचुर मात्रा में हमारी शक्ति और भक्ति की धरती में बहुत बड़ा काम करने का अवसर आप सभी को मिल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उन संभावनाओं को, और आपका भी मन है, मैं एक बात और कहता हूं कि राजस्थान में आप निवेश के लिए तो आई है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, परिवार में सभी को स्वस्थ रखना है, बुजुर्गों को भी ठीक प्रकार से रखना है, तो वहां की आब हवा, वहां का पर्यावरण आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर बिल्कुल शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, और श्रीअन्न अगर सबसे ज्यादा पैदा होता है
तो वो राजस्थान की मिट्टी से होता है। जब हम अच्छा अन्न खाएंगे, श्री अन्न हम खाएंगे, अच्छी हवा में रहेंगे, तो आइए मैं आपको निवेश के भी लिए आमंत्रित करता हूं। और जैसा कहा कि आप वहां आइए, मकान आपके जो राजस्थान प्रवासी हैं उनके तो है ही, उनको भी ठीक प्रकार से करिए, और जिनके नहीं हैं वो फार्म हाउस भी बनाइए, आकर के मकान भी बनाइए, आराम से एक ऐसे पर्यावरण जो आप मन में विचार करते होंगे कि हम कहाँ रहना चाहिए।